देसी टॉक, अपन बात अपन अंदाज। जय हो, मैं हूँ संदीप अखिल। आप देखत हो हमारे साथ देसी टॉक। देसी टॉक में आज हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी। आपके बहुत बहुत स्वागत है देसी टॉक में। जय जोहार। जय जोहार। बात के शुरुआत करथन कि जो नारा है नवा गढ़बो छत्तीसगढ़, अब वो नारा नहीं रही के मंत्र बन गए है, आप लग कैसे लगत है? जेकर शुरुआत हमन ह कर रहे हैं कि गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, जी ये है कोई हमर मन के दिमाग की उपज नो है। जी ये तो हमर पुरखा मन, सियान मन जिन सपना देख रही जिन छत्तीसगढ़ राज के बात करत रही से, वो मन ये सपना देख रही से। लेकिन पिछले 15 साल से वो रास्ता में रिंग भी नहीं करती जिन सियान मन के सपना रही से। सही कहा। तो जब हमन ला मौका मिली तो हमन कहें कि गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, जिन सियान मन के सपना है तेकर हिसाब से छत्तीसगढ़ ला बनाना है। बिल्कुल कैसे हमार गांव रही, कैसे हमार शहर रही, हमार लोगन मन के कैसे सुख सुविधा रही, रोजगार के का व्यवस्था रही, महिला मन की स्थिति का रही, लड़का मन के पढ़ाई लिखाई कैसे ढंग से हुई, तो ये सब बात है हमार सियान मन के। चाहे बिल्कुल डॉक्टर खूबचंद बघेल हो, चाहे ठाकुर प्यारेलाल सिंह हो, छेदीलाल बैरिस्टर हो, मिनी माता हो, चंदूलाल हो, पवन दीवान, बिल्कुल ये सही मन बात जो है। सपना दिखे रही से पंडित सुंदरलाल शर्मा, ये मन जो सपना दिखे रही तेला कैसे साकार करना है, तो बिल्कुल गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। बिल्कुल। आपके जिन देसीपन है वो पूरा देश में, प्रदेश में तो है ही है और पूरा देश में विख्यात हो थे। देसीपन ला लोगन स्वीकार करत हैं, इला कैसे लेते हो आप? ये हमन के जिन स्वाभाविक जिन प्रवृत्ति है तेने प्रदर्शित होते, कोई बना के कुछ करण नहीं। हमन गांव में पले बढ़े हन, गांव के स्कूल में पढ़ाई लिखाई हो है, लेकिन मन संग खेलत कूदत रहें, तो जिन गांव के जिन खेल कूद है तेने सब बात ल दिखा देसन, तो लगते कि देसीपन है। ये स्वाभाविक हमारे अंदर स्वाभाविक प्रवृत्ति। प्रवृत्ति हाँ अक्सर देखे जाते जिन मुख्यमंत्री निवास होते वो राजनीतिक केंद्र होते, लेकिन आपके मुख्यमंत्री बने के बाद जिन्हें छत्तीसगढ़ के संस्कृति के केंद्र बन गए हैं मुख्यमंत्री निवास है। ये छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री निवास है तेन तो आम जनता पर है। छत्तीसगढ़ के आदमी मन ज़्यादा राजनीति उजनी करे नहीं, वो मन तो जिन छत्तीसगढ़ के यदि कोनो बाहर के आदमी कीबे तब सीधा की कि छत्तीसगढ़ के आदमी मन भोला होते हैं, बिल्कुल वो मन ज़्यादा लाग लपेट वाला रहा नहीं। हो तो जिन स्वाभाविक जिन हमार मन के प्रवृत्ति है तेने है छत्तीसगढ़ भवन में, मुख्यमंत्री निवास में भी दिखना चाहिए कि हमार मन के जिन तीज त्यौहार है, हमार मन के जिन खेल कूद है, हमार मन के जिन रहन सहन, हमारे जिन संस्कृति है, ओकर प्रतिबिंब मुख्यमंत्री निवास होना चाहिए। बिल्कुल ये एक राजनीति का अखाड़ा केंद्र नहीं बनना चाहिए, बिल्कुल तो यही हमार मन के पहचान छत्तीसगढ़िया मन के। जी। आप यहाँ के तीज त्यौहार लागू बढ़ाए पर बहुत प्रयास करत हो और छुट्टी तक वो देव, तो खर पीछे आपके का उद्देश्य रही सर? एकर उद्देश्य यही है कि लगना चाहिए कि ये छत्तीसगढ़ राज है, हमारा हमार मन भर बने छत्तीसगढ़ राज, सब लगना चाहिए। जिहाँ 2 करोड़ 80 लाख की जहाँ निवास करते आदमी, वो सब लगना चाहिए कि हमार छत्तीसगढ़ है, ठीक कहा था। ये सरकार है तेन हमार सरकार है, चाहे वो मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे वो अनुसूचित जाति के हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे बेरोजगार हो, हर वर्ग लगना चाहिए कि हमार सरकार है। जी आप मां जिन साहब वाले नहीं लगे, ज़्यादातर आम आदमी से हमारे बात होते, आप अपन आदमी लगते हो, मतलब अपन बीच के आदमी लगते हो। वो साहब वाले जिन प्रवृत्ति रही थे वो लोगन कहते कि नहीं हमार कैसे मुख्यमंत्री। हाँ तो दूरी नहीं रहना चाहिए ना, तभी तो अपन मन की बात ल कह सकते हैं। आदमी बिल्कुल सही कहा था आप। हमला अपन मन की बात नहीं कहना है, लोगन मन के बात ल आम जनता है ये सोचे, हर वर्ग का आदमी सोचे कि मैं अपन बात के अपन मन के बात ल मैं अपन मुखिया कर कह सकाऊँ। जी अक्सर जिन्हें आप जब ले कई ठन लड़का ला पाथा होकर फोटो वायरल हो जाते, ओका बाद दूसर के घर में समस्या थे, देख मुख्यमंत्री लड़का पा लेते तो लड़का नहीं पा सकस, तो एक ठो नवा समस्या आ गए, तो आप ये लड़का पाला कहाँ ले सीखे वैसा? ये तो स्वाभाविक बात है, गांव में रहें तो छठी हो गए तो सब घर हाँ जाना आना, फिर सबो जन मिल के खेलना कूदना। दूसर ये है काकरो घर में गए ना, वो लेकर महतारी तरिया चल दी, अब लेकल संभालना है धर तो बाबू थोड़ के लेकर मैं 1 घंटा मारा था, तो लेकर खेला था बचपना से लेकर खेला था मम्मी। और ऐसा का है लोगन प्रयास करते हैं बन नहीं पाते जिसने आप लेकिन क्या था। एकर से जिन छत्तीसगढ़ में जिन अंतरंगता है, हाँ जिन प्रेम है, सहजता है,
यही हमर छत्तीसगढ़ियापन है बिल्कुल और एला हमन ला बढ़ाना चाहिए। काबर के आज के समय में सब जन टेलीविजन से चिपके है, सब जन हाँ मोबाइल से चिपके है, तो व्यक्ति व्यक्ति के जन संबंध तन खत्म हो जाते है। ठीक कहा आप। तो यदि एला हमन हा संबंध बनाना है तो जब तक के ओकर से मेल जोल नहीं करबे, मिलबे नहीं, जा आबे जाबे नहीं, गोठियाबे नहीं, बातचीत नहीं करबे तो कैसे संबंध बनिए। बिल्कुल ठीक कहा था आप। तो वो जिन पड़ोसी के जिन धर्म है, गांव वाला के जिन धर्म है, जिन सामूहिकता है, वो ये सब चीज़ ऐसे प्रदर्शित होते हैं। जी आप मुख्यमंत्री बने हो, बिलासपुर गए हो आप, तो दूर माँ नंद किशोर शुक्ला जी बहुत दूर में खड़े रहने हुआ, आपके नज़र उन घर पर पड़ गए, तो जब मुखिया के नज़र अंतिम व्यक्ति तक पहुंच जाते तो हर चीज़ जिन है सही दिशा में आगू बढ़े लगते हैं, आपका आश्वस्त है जहाँ तक नंद किशोर शुक्ला के बारे में कह सकता हूँ कि वो अंतिम व्यक्ति नो है, जी वो है छत्तीसगढ़ी भाषा के पुरोधा है। बिल्कुल छत्तीसगढ़ी बर वो है लगातार प्रयास लेख कर जतन लिखत है, करते हैं संघर्ष करत है, ओकर बर ज्ञापन सौंपत है। लेकिन एक सहज सहजता के रूप में देखा कि वो है जब हमार काफिला निकले तो अपन साइकिल धर के खड़े रही से, खड़े रही से। अचानक मोर नज़र पड़े हमार काफिला आगे बढ़ गई से, लेकिन सुकुल जी बैठे खड़े साइकिल धर के, गेन मिलेन आशीर्वाद लेन। तो जिन समाज में, और ये बात कोई भूपेश बघेल करे ऐसी बात नहीं है, हमेशा जिन सत्ता में रहे है तेमन साहित्यकार है, कवि है, लेखक है, तेमन के हमेशा सम्मान करे, चाहे नेहरू जी से लेकर इंदिरा जी तक के आप देख लो, जी लगातार ओमन हा जिन समाज के साहित्य है, कलाकार है, ओकर मन के हमेशा सम्मान करे। जी तो वो जिन सीखे तेन हमन ला एक परंपरा के रूप में मिले है कि समाज के जिन चिंतक है, मनीषी है, ओकर मन के सम्मान करना। जी अब आपके प्रारंभिक जीवन के बारे में जानते हैं कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई से। वहाँ अपन पहले तो मैं भिलाई 3 में पढ़ते रहे, लेकिन घर में जैसे बंटवारा हुई हमन बिलोदी चल दें। बिलोदी में 1 साल तक के माँ बाबू जी रिस, होकर बाद में वो मन कुरुड्डी आ गए, मैं कुरुड्डी में स्कूल नहीं रिसे, बिलोदी में स्कूल रही, मैं बिलोदी में रह शुरू कर दें। तो प्राइमरी स्कूल बिलोदी में, ओकर बाद मिडिल और हाई स्कूल तेन मर्रा में, जी ओकर बाद कॉलेज है तेन साइंस कॉलेज। आपके गुरु जी मन बताते रहे कि शुरू से आप जिन हैं अधिकार पर लड़त रहे, जैसे उनका इंटरव्यू सुने हो मैं, और जब आपके सम्मान भी आप उनका पैर छुए, जिन हमारे संस्कार भी है, तो मन की इनकी शुरू से जिन है आप में बात है कि अधिकार पर लड़ना है, तो गुण जिन है शुरू से आप में। जिन व्यवस्था है उनमें यदि गड़बड़ी है तेकर बल लड़त रहे हम, तो जब अन्याय हो जाते तब तो लड़त रहे ना कि नहीं एक साथ अन्याय होकर। तो वो तो शुरू से ये स्कूल में रहें, तब खासकर मिडिल स्कूल में, हाई स्कूल में जब आए तो जहाँ अव्यवस्था देखें, जहाँ कमी खामी देखें, तो ओकर पर जरूर हमन मांग करत रहें। जी कॉलेज में आए, हॉस्टल में रहत रहें, तो वहाँ हमन संघर्ष करत रहें, लेकिन जी व्यक्ति पर नहीं। व्यक्ति पर नहीं, सामूहिक रूप से जेखर पर हाँ करे व्यवस्था, जा से हाँ व्यवस्था पर व्यवस्था, कोई से गुरु जी ने आपला उचित मार्गदर्शन दे हुए वो टाइम। गुरु जी मन के तो हमेशा आज यहाँ तक पहुँचे में थे माता पिता, ओकर बाद गुरुजन, ओकर बाद जी परिवार के, ओकर बाद संगी साथी मन के, ओकर यदि राजनीतिक जन पार्टीज में जुड़े हों, यदि हाँ मोल नहीं मौका मिलती तो मैं यहाँ कहाँ से आते हैं। ठीक कहा तो था आप। सबके सहयोग, अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सका है यदि राजनीति में, तो सबके सहयोग के से ही ये संभव होते हैं। जी गुरु जी मन यदि नहीं पढ़ाए रहते, वो संस्कार नहीं दे रहते, तो हम कहाँ यहाँ आ पाते हैं। एक दूसरा प्रश्न मैं करना चाहता हूँ कि वो माँ जिन आप जिसे रतन बेटा हमारे प्रदेश लदी से, उनकर से जुड़े कोई स्मृति आप हमसे साझा करो, माता से जुड़े कोनो बात हमसे साझा करो। जीवन के टर्निंग पॉइंट काला मानते हो, जहां से आपके जीवन हाँ नवा दिशा पकड़ी,
ऐसा कुछ तो नहीं रहे, कॉलेज से निकले के बाद शुरू से मन में रहे कि नौकरी नहीं करना है, हाँ खेती किसानी करना है। खेती किसानी करे के बाद जिन समय मिला रहे तो गांव में काकरो घर में बिजली कनेक्शन लगवाना है तो पंचायत में काम रुक गए है, कि तहसीलदार कर काम रुक गए है, तो जनपद में कुछ काम रुके हुए है, तो वो ले लेके जान कभी थाना में कोई काम अटक गए, तो ऐसे काम करत करत कर राजनीति में आ गए ना। जी घर में थोड़ा से नेता मन के आगमन तो होते रहा है, समाजवादी नेता मन, पहली पिताजी मेरी से सरोदय में, तो सरोदय नेता मन खूब आए अच्छा घर हाँ में आ जाए, वोकर बाद समाजवादी नेता मन के आना जाना घर में रहा है, तो राजनीतिक चर्चा तो लगातार घर में बने रहा है। हमारे यहाँ गांव में भी चूँकि फ्रीडम फाइटर रहे हमारे गांव में, तो लगातार उकर मन के आना जाना, सब राजनीतिक कार नेता मन के आना जाना लगे रहा है, जी तो एक स्वाभाविक चिंतन में सब बात मना आदर। लेकिन ऐसे कुछ टर्निंग पॉइंट ऐसे कुछ रही से ऐसे नहीं से। आप साइंस कॉलेज में पढ़े हो और वही रायपुर में आपके मुख्यमंत्री निवास है, छत्तीसगढ़ के मुखिया हो आप, कैसे लगते कि वही शहर में मुख्यमंत्री के तौर में घूमना, वही शहर में एक छात्र के रूप में घूमना? तब भी शहर उस समय अतिक विकसित नहीं रही से, ये समता कॉलोनी वगैरह तो हमारे मन के देखते देखत बनी सी, चौबे कॉलोनी बहुत छोटी रही से, समता कॉलोनी रही भी नहीं करी से, बहुत खाली खाली रही से। जब साइंस कॉलेज हॉस्टल से हमन पिक्चर वगैरह भी देखे लान प्रभात टाकी जान, तो उस समय पूरा वो जगह समता कॉलोनी खेत मने सब भैंसी मन बैठे रहा है, वो खाली खाली रही से। ये तरफ आते तो एक ठोक मतलब आश्रम का एक ठोक स्टेशन रहा है, तो उस समय बस में भी आ कभी साइकिल में आते रहे, आज कार पूरा कार के काफिले रहते हैं। जी लेकिन ये वो समय ऐसा नहीं सोच रहे कभी राजनीति में आप वो हमले काम करना है ये करना है। आज भी रायपुर की गली मन हमारा पूरा परिचित है, पुराना जत का गली है तेम पुराना सब परिचित है, नया कॉलोनी मन भले नहीं जाना नहीं समझा नवाजन बने हैं तब। हाँ, लेकिन पुराना जत का बस्ती मन है, वो सब गली मन हमारे मन के घूमे, चाहे स्कूल में रहें कभी सामान खरीदे बार आते रहें, कभी खेती किसानी कर रहते हैं तो ट्रैक्टर बिगड़ जाए मोटरसाइकिल सुधरवाना है हाँ, तब ही यहाँ आना रहा है, सब रिश्तेदारों के घर ही हैं। मोटरसाइकिल आप लोग कौन से सन में मिल गई सर? जैसे कॉलेज से निकल गए तैसे तुरंत अच्छा बाद स्कूटर दे दे जैसे, हाँ, वो टाइम बड़ा ट्रेंड रहा है मोटरसाइकिल गाड़ी जेकर पास रहे ओकर अलग टाइप के जलवा रहे। हाँ बाबूजी एक हिस्स के जब मैं हाँ स्कूल से निकल कर आए हैं तो मोटरसाइकिल दे रही से, अब ते कॉलेज निकल के आ गए हैं तो फिर मोटरसाइकिल दे रहे स्कूटर दे रहा, तो मूल स्कूटर दीस, जी तो वो स्कूटर में फिर दोनों गांव खेती भी देखना रहा है, बिलाई भी उस समय खेती नहीं करते रहे अधिया रेखा देते रहे, तो वहाँ आना जाना रहा है, फिर पूरा सामान उमान खरीदे बर रायपुर हमारे मन के मुख्य बाजार रहे, चाहे धान बेचे बर हो, चाहे ट्रैक्टर से पार्ट हो, चाहे मोटर्स पार्ट हो, सब लेना है, पाइप खरीदना है, रासायनिक खाद वगैरह लेना है तभी आना, दवाई खरीदना तभी सब आना चीज़ें यहाँ से लेवाएं रायपुर। जी। पिक्चर के आप बात करो, पिक्चर के बड़ा शौकीन भी हो आप, तो आपके फेवरेट हीरो कौन रही से? अलग अलग समय में अलग अलग रहे, लेकिन ये है कि हमन जब हाई स्कूल में आए तो समय धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, एकर मन के जमाना रही से, जितेंद्र के जमाना रही से, एकर मन की पिक्चर खूब देखें। जी, उस टाइम कॉलेज में जब भी पढ़ते आदमी तो टाइम फर्स्ट डे फर्स्ट शो के बड़ा ट्रेंड रही से कि भाई आज ये पिक्चर पहली बार में देखना, तो ऐसा रही इसका ट्रेंड नहीं वो आपके तो स्कूल के समय से रही से, जब हम स्कूल में रहें तो कभो आन तो छोटे रहें तो जाली लगे रहा है टाकीज मन में, लाइन लगे बार, तो भैया मन भी रहा है, तो एक बार की मुझे घटना याद है, ये जगह जयराम टाकीज रही से, जयराम टाकीज के सामने में ओकर टिकट काउंटर है ते में जाली लगी रही से, और भैया मन सबसे पाछू में रही से, लगे इसके अब तो हमार जात ले टिकट समाप्त हो जाए, तो पैसा धरे से मोला मोर जेब में डाले और कि इसकी ये जैसे लटकत लटकत जाना जाली में, और सामने में वो काउंटर रही थी मेरे उतर जाना है, उतरना है तो यहाँ चढ़े और सीधा उल्टा लटकत हाँ सीधा काउंटर में गए, वही मेरे कूद गए, हाँ पीछे लोग चिल्लाते रह गए,
कि कहाँ से आ गया कहाँ गया, तो काउंटर वाले के जन पहले आए खिड़की में आए तेल टिकट दूँ, टिकट दी सब ओकर वास बड़ा अच्छा बात बताया आप। हीरोइन कौन सा पसंद रही आपके समय में? हीरोइन में बहुत जन बहुत अच्छा काम करे है, जैमे वहीदा रहमान के जिन एक्टिंग है तेन बहुत अच्छा रही से, हेमा मालिनी के भी रही से, रेखा के भी उस समय पिक्चर राखी राखी बहुत के अच्छा एक्टिंग में। जी बाद में तो स्मिता पाटिल वगैरह बहुत अच्छा अच्छा कलाकार है जिन अदाकारी कर्म के अच्छा रही से तो मैं ज़्यादा अच्छा लगे। जिन हमार गांव के हमार कहे जाए छत्तीसगढ़ के जिन पारंपरिक खेल है ओला भी आप बहुत बढ़िया से खेलते हो, चाहे भौरा चलाने की बात हो, चाहे बैला गाड़ी में चलाए की बात हो, चाहे कोई भी चीज़ हमारे एक जन खेल है ओला आप बहुत सुंदर ढंग से खेलता हो। तो ये गाँव में कैसे वो टाइम पूरा चीज़ ला सीख गए रहो आप, भौरा भी आप चला लेता हो, हर चीज़ आप कर लेता हो। ये तो गांव के खेले अच्छे रहे, बढ़ई कर जाते हैं पहले गिल्ली छुलवा लेते हैं, हाउ गिल्ली छुलवाए बर रहा है तो जेन बढ़ई अच्छा छोले तेकर कर हमन बोल पहले पटावन है ना, तेकर बाद वो हमन गिल्ली छोल के देते तो डंडा, फिर तो डंडा बर खेत जाते हैं वहाँ डंडा काट के लाते हैं बोला, फिर पैरा में फिर कच्चा लकड़ी काट के ला रहे थे हाँ तो वो तो यदि सीधा सीधा डंडा कर लेबे खेले डाले हो तो वो तो टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, फिर ओला पैरा में ओला जलाते हैं ओकर बाद ओकर जो छिलका तेल उतारते हैं तो उन तेल भी लगाते हैं तो सिझोते हैं तेकर बाद फिर गिल्ली डंडा खेले शुरू करा। ये चीज़ ला कई जन नहीं मालूम है कि पूरा प्रक्रिया जिन गिल्ली डंडा बनाए के आप लोग पूरा मालूम है। तो ये सब काम ला हम करें ना, ठीक कहा तो था आप। गिल्ली डंडा की तैयारी, फिर भौंरा की तैयारी, भौंरा बर फिर सबसे बढ़िया हम ना नीम के लकड़ी के जन भौरा बने तो उनमें भन्नाटी ओकर आवाज अब ओकर साउंड बहुत सुंदर आए हाँ तो ओला सिरसा के लकड़ी बहुत हल्का होए एकर भौरा तो एकर उनके भौरा बहुत अच्छा बनाए। तो फिर ओकर बाद डंडा पिचरंगा है, रेस्टिप है, खो खो है, कबड्डी है, पिट्टुल है, गोटा है। पिट्रोल कैसे खिलाड़ी रहो आप? पिट्टूल होते मज़ा नहीं आता इसे, अच्छा लेकिन हाँ गोटा वगैरह खूब खेले हैं वो, अच्छा रेस्टी वगैरह खूब खेला, डंडा पिचरंगा पेड़ में चढ़ के और खेला। जी तैरे में हमारे यहाँ तालाब में चारों तरफ आम के बहुत बड़े बड़े पुराना पेड़ रही से, हाँ जब सावन भादो में तरिया मन भर जाए तो फिर वहाँ कूदे काम करें डाई मारा ऊपर से जो हाँ कूदे वाले जो पेड़ से ओकर डंगाल से कूदते थे वाले। हाँ हाँ लेकिन हाँ हमन बदमाशी करे हुए रहे ना तो हम थोड़े बहुत चिक्कन कर देना तो बिछल के गिर जाए हाँ तो वो काम कर शैतानी करते रहे। फिर तैरे काम हमारे यहाँ नाला भी खूब है, तीन तरफ से दोनों गांव नाला है हाँ तो नाला जैसे पूरा आ गए बाढ़ आ गए तो वो में फिर तैरे का मज़ा अलग है, वो में ट्रैक्टर की ट्यूब वगैरह ले खूब तैरे हम कई जन यात्री मल्ला पार भी कराए काम करा। जी राजनीतिक गुरु काला मानता हो अपन? हमार तो राजनीतिक गुरु तो वहाँ तो चंद्राकर रहे चंदूलाल जी, फिर बाद में दिग्विजय जी जुड़ गए। जी राजनीति में पहली अवसर जिन मुख्य धारा में आए में वो कौन सा हिसाब के? वो घटना यूथ कांग्रेस में रहे हमन हम और इनकेनबे के चुनाव चलत रहे से, हाँ राजीव जी के हत्या हो गया हो ए बीच में, फिर समीक्षा की गई इसके आगे चुनाव कैसे ढंग से लड़ना है और फिर खर्चा कैसे ढंग से हुई। तो चंदूलाल जी वासुदेव दोनों बैठे रहे, चंदूलाल जी उस समय कैंडिडेट रही से मतलब करीब 46 गांव की जिम्मेदारी दे गई रही से, तो वासुदेव चंद्राकर जी मोल पूछिस कि भूपेश तोल गाड़ी दे गई रही से और 1,500 रुपया दे रहे तो लौकत का पैसा लगी। तो मैं कहें कि वो गाड़ी है धक्का मार गाड़ी रही से बैटरी रिस नहीं है तो भाई बैटरी वाला जिन सेल्फ स्टार्टेड गाड़ी है तेला दे दे एक, दूसरा डीजल दे दे और 1,500 रुपये दे रहे थे तो मारे हैं चाहे तो वापस ले ले। चंदूलाल जी अचानक ध्यान होकर मोर तरफ किस वो पूछिस कि 1,500 रुपये कई बार खर्चा नहीं हुई। तो मैं कि मोर क्षेत्र में पूरा ग्रामीण इलाका है कोई होटल ही नहीं है तो यदि दौरम जाथन भी तो कार्यकर्ता घर चाय नाश्ता करथन तो पैसा जस के तस मारे रखना तो रख ले। तो चंदूलाल जी के निगाह उस समय आए, तकर बाद तत्काल बाद वो चुनाव के तत्काल बाद जब
यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनाए पड़े इस डिस्ट्रिक्ट के, तो फिर चंदूलाल जी मोर फिर अर्जुन सिंह ने बोल के वो समय रमेश जी ने थेला राष्ट्रीय अध्यक्ष रिसे फिर युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बने जी। तो कर वो में फिर लगातार टच में चंदूलाल जी के रहन, फिर 93 चुनाव इस पर टिकट भी दिला दी। हाँ, जिन महत्वपूर्ण योजना है छत्तीसगढ़ के नरवा गरुवा बारी वाले जिन, तो ओला लेके कैसे आपके का सपना है कि छत्तीसगढ़ के कांवर की संस्कृतियों में रचे बसे हैं और ओला लेके बहुत आपके महत्वाकांक्षी योजना तक वो है, तो ओला कैसे आप जन जन तक पहुँचाहू, कैसे जन जन उमा जुड़ ही, उखर का सपना है आपके? देख ग्राम्य जीवन में ये बिल्कुल, चाहे वो पानी की बात कहा चाहे वो गरबा की बात कहा, ये कर्म के जीवन जीवन से जुड़े हुए, जीवन शैली से जुड़े हुए हैं। और जब तक के वो अर्थव्यवस्था से नहीं जुड़े हुए तब तक के कोई भी कार्यक्रम सफल नहीं हो सका है। तो आज तो पूरा दुनिया है जिन पानी पर चिंतित है, दुनिया चिंतित है कि ग्लोबल वार्मिंग होते हैं, पूरा दुनिया चिंतित है कि प्रदूषण बढ़त जाते हैं। तो ओकर साथ साथ आज मवेशी से सब परेशान हैं, फसल नहीं बचा पाते, रोड एक्सीडेंट होते, घर में रखना कठिन है, ये सब चीज़ ला सोचते सोचते सब साथी मन के साथ चिंतन मनन हुई। बहुत जन मन आ कि समस्या बताई, कोनो गरबा नहीं लगना चाहते, दान में भी नहीं लगना चाहते, फोकट मतलब पैसा में खरीदना दूर के बाद कोनो दान में ले जाना पसंद नहीं कर रहे थे, ये सब बात में नहीं। तो फिर साथी मन से चर्चा विचार विमर्श लगातार करते रहें, एकर का हल हो सकते हैं। तो फिर ये एकर योजना फिर बनाएं और फिर ये सामने इसके नरवा गरवा घुरुआ बारी जी, तो नारा बन गए, नारा बन गया। और आज वो दिशा में हमारी सरकार काम कर रहे थे और सब जन ये चूंकि नया ढंग से सब चीज़ ला एक साथ जोड़ के कर रहा था, पानी भर भी बहुत काम होते रहे, गौशाला भी बने हैं, आज कचरा उठाए के बात ल सब जन कर रहे थे, तो इला सब ला एक साथ जोड़ के करे से और वोला अर्थव्यवस्था जोड़े से, खर्चा की बात नहीं है था, ठीक कहा था, इला अर्थव्यवस्था जोड़ा था वो करते, इनकम भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी है, शहर की भी अर्थव्यवस्था है। हाँ, शहर वाला भी पानी चाहिए। हाँ, शहर वाला के व्यापार कैसे चली जब गांव वाला कर पैसा रही, पैसा रही, ग्राहक कौन है? शहरे वाला में तो नहीं रहा है। हाँ, हाँ। गांव वाला ही ओकर मन के ग्राहक है। तो ओकर मन के अर्थव्यवस्था नहीं सुधरी थी, कर्मन के अर्थव्यवस्था नहीं सुधरे, एक दूसरे जुड़े हुए चोली दामन के संबंध शहर और गाँव के जी। राष्ट्रीय स्तर में आपके जिन देशी जिन छवि है ओकर बड़ा चर्चा हुआ थे और अभी जिन एक सर्वे भी आ रही सो अमिताभ बच्चन आप पीछे छोड़ दो सर्वे के हिसाब से, अब वो सर्वे कैसे होते कहां तक कल मुझे जानकारी, लेकिन जिन वो प्रभाव है आपके जिन आपके लोगों पावरफुल की थे शक्तिमान लोगन का थे, तो वो जिन है आपके देसीपन के का प्रभाव है कि जिन हिसाब से आप अमिताभ बच्चन पीछे छोड़ दे, अब वो सर्वे करिए मन जाने का हिसाब से करी, लेकिन मोला ये लगता है कि ये जिन सम्मान है छत्तीसगढ़ के 2 करोड़ 80 लाख जनता के सम्मान है। सही कहा तो आप, खबर की लोगों ने समझते कि हमारी सरकार है और हमार सरकार कहा थे, तो इस जन सर्वे हुए और जन सम्मान मिले हैं तेना छत्तीसगढ़ के सम्मान है जी। छत्तीसगढ़ के जिन लोक संस्कृति है ओला बढ़ाए बार आपके का सपना है? कोई भी समाज के जिन संस्कृति है तेनोकर पहचान होते हैं। हाँ। और वह लोकगीत में, रहन सहन में, खान पान में, व्यवहार में, आचार में, ये सब दिखाई पड़ते हैं। लोगन जब खेत से काम करके आते और अपन थकान मिटाना होते, तो जिन लोक संगीत है, लोक धुन है, तेन होकर मन के मनोरंजन या थकान दूर करे साधन होते। फिर दूसरी बात ये कि समाज में जिन घटित घटना है तेकर पूरा प्रभाव और लोक संगीत में, लोक धुन में रहे थे। का होना चाहिए, का अपेक्षा है लोगन के, तीनों चीज में प्रतिध्वनित होते हैं। तो ये जितके ज्यादा संरक्षण दिया जाए तो समाज में बढ़ाए में वो योगदान हो जी। तो छत्तीसगढ़ सरकार ये दिशा में अभी एक कार्यक्रम हमारे छत्तीसगढ़ में, तो वैसे भी 44% जंगल है, 32% हमारे जनजाति मर रहे थे, तो राष्ट्रीय
आदिवासी नृत्य महोत्सव के आयोजन हमन 27, 28, 29 दिसंबर के कर आयोजन करा था, ताकि देश भर के जतेक भी हमर कलाकार है तेन छत्तीसगढ़ में आए, बाहर में जिन आदिवासी मन के जिन कल्चर है उनके तेकर जानकारी यहाँ के मतलब है, यहाँ के जिन हमार जिन समृद्ध परंपरा है हम कहा कि हमारे यहाँ जिन नाट्यशाला जिन मिले थे 5,000 साल पुराना, 5,000 साल पुराना है हो। तो बहुत समृद्ध हमार परंपरा संस्कृति परंपरा रहे हो। तो ओकर बारे में भी देश दुनिया जाना है हो। ओकर बढ़ाए पर जतका किया जा सके करबो जी। मैं चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ के जिन युवा हैं, युवा पीढ़ी जिन हैं, वह नशा से दूर रहे और छत्तीसगढ़ ला गढ़े में आपके कंधे से कंधा मिला सके, ओकर पर एक संदेश आप दो। छत्तीसगढ़ के साथी मन ये कहना चाहता हूँ कि नशा है तेना न केवल व्यक्ति ल बर्बाद करते, परिवार ल बर्बाद करते, बल्कि समाज ल पीछे धकेल देते। तेकर सेती जिन नौजवान पीढ़ी है वो नशा से दूर रहे, चाहे कोनो प्रकार के नशा से हो, तो ओकर से समाज ल आगे बढ़े में जिन समय और श्रम और साधन सबो में लगही, तो छत्तीसगढ़ आगे बढ़े में ओकर मन के योगदान रहा है, यही मैं अपेक्षा करना चाहता हूँ जी। एक अंतिम और सवाल है, खायम आप का पसंद करता हो? खाए में जिन छत्तीसगढ़िया भोजन है काका जी, जिमी कांदा वो सब ये में सब हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा भाजी के प्रयोग होते हैं, हाँ। सब प्रकार के भाजी के उपयोग करते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में। और फिर ओकर जिन हमारे जिन सीजनल जिन सब्जी मन सब्जी है आते हैं वो सब प्रकार के, चाहे वो गोभी हो, चाहे मटर हो, चाहे वो भिंडी हो, चाहे वो करेला हो, चाहे वो जिमी कांदा हो, चाहे कोचई हो, ये सब हमारे मन के हमारे यहाँ हर प्रकार की बड़ी मिलते हैं। रखियक भी बड़ी मिलते, कंसैयक तक बड़ी मिल जाते, कोहड़क बड़ी मिलते, अदौरी बड़ी मिलते। तो अब अदौरी अदौरी बड़ी और चेंज हो जाए तो फिर स्वाद अलग ही रहते। तो हर प्रकार के सब्जी है जो छत्तीसगढ़िया सब्जी है वो ज़्यादा पसंद है। बहुत अच्छा है लगीस बघेल जी आपके साथ बात करके, और लगीस कि अपन से जुड़े एक ऐसे व्यक्ति से बात हो थे, एक छत्तीसगढ़ी आदमी से बात हो थे, जेकर आँखी में छत्तीसगढ़ ला आगू बढ़ाए के एक बहुत अच्छा सपना है। आपके बहुत बहुत धन्यवाद कि देसी टॉक ला आप समय देव और देसी टॉक की ये 100वां एपिसोड पूरा हुई आपके माध्यम में जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहर, राम राम।